दोस्तों माहौल में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। और इसी गर्मी के चलते मैं इस वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि इस गर्मी की झुलसन से बचने के लिए मैंने देखी इस बार चंदू चैंपियन और वो भी कल रात का शो। तो बताऊंगा इस वीडियो में कि मुझे कैसी लगी चंदू चैंपियन और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो दोस्तों एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये फिल्म बेस्ड है भारत के पहले पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर मुरलीकांत पेटकर के साहस धैर्य और वीरता के बारे में, जिसका बचपन से सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इंडिया के गोल्ड मेडल हासिल करना, जिसके चलते उसने पहले बचपन से पहलवानी शुरू करी और किन्हीं हालातों के चलते उसने फौज में दाखिला लिया और फिर उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई आर्मी स्पोर्ट्स कोटे से इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन बनने तक की, जिनके कई मुकाबलों में उसने कई सिल्वर मेडल हासिल किए। पर हालात को किस्मत हमेशा धोखा देती है। 65 की जंग में अपने दोस्तों और अपनी सेना को बचाते हुए उसने अपने शरीर पर 9 गोलियां झेल ली, जिसकी वजह से वो 2 साल कोमा में रहा। और जब उसे होश आया तब उसे पता चला उसके शरीर का नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर चुका है। तो वो क्या करे, जिंदगी से हार मान ले, अपना वो एम्बिशन छोड़ दे जो था इंडिया के लिए गोल्ड मेडल पाने का, और जो दुनिया उसकी सोच पे हंसती है उसको ये जवाब देने का कि हंसता काहे को है। जी हाँ, ये डायलॉग आपको पूरी फिल्म में कई बार कार्तिक आर्यन के मुंह से सुनने को मिल जाएगा। फिर मुरलीकांत पेटकर पैरा ओलंपिक्स के लिए अपनी तैयारी करता है और इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल हासिल करता है, वो भी पैरा ओलंपिक्स में। बस यही इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म का डायरेक्शन किया है कबीर खान ने, जो बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म बना चुके हैं। फिल्म की स्टार्टिंग के काफी कुछ सीन्स आपको बजरंगी भाईजान की याद जरूर दिलाएंगे और ये फिल्म धीरे धीरे कैसे एक स्पोर्ट्स ड्रामा में कन्वर्ट होती है ये देखने में आपको काफी मजा आएगा। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है पर बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार है। और अगर एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म में अपनी काफी जान डाल दी है। बड़े पर्दे पर उनकी मेहनत साफ साफ दिखती है कि उन्हें कितनी मेहनत करी है इस रोल के लिए। सहायक कलाकारों में विजय राज, राजपाल यादव, इन सब ने अच्छा काम किया है। इस फिल्म का मेन थीम है चंदू नहीं चैंपियन है मैं, इस चीज को काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। और सच बताऊं तो फिल्म का डायरेक्शन कमाल का है, जिसकी वजह से मैं देता हूं इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी। जब इस फिल्म को आप थिएटर में देखोगे मैं तो कहूंगा कि ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।